प्रेसकॉम का ये पूरा कंप्लेन का प्रोजेक्ट जो है पूरा बना दिया डैशबोर्ड के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम ईमेल स्क्रैप किया, फिर उस डेटा को लिया, फिर सम कैलकुलेटर वैल्यू लगाया जो कि ज्यादा इस्तेमाल हुई नहीं, फिर लास्ट में डैशबोर्ड बनाया एकदम मस्त, डे टू डे मंथ टू मंथ पूरा काउंट दिखा रहा है, डेट रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हो, कीवर्ड्स के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, रियली अमेजिंग, बहुत 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 तगड़ा प्रोजेक्ट बनाया भाई। ये जो चार्ट है मैंने लाइव बनाई है, ठीक है, ये जो चार्ट है मैंने लाइव बनाई है, इधर करते हैं दिस ईयर अप्लाई, ठीक है, गाइस 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा, ठीक है। ओके गाइस, एज आई सेड 5 मिनट में वापस आऊंगा, ठीक है। अभी हमने OMR प्रोजेक्ट देख लिया, कमेंट्स के पूरे रिप्लाई कर दिए, अभी करेंगे हम बेस्कॉम को कंप्लेन, ठीक है, लाइव कंप्लेन करते हैं बेस्कॉम को, ठीक है। चलो स्क्रीन शेयर सर करता हूँ, एकदम पूरा ईमेल स्क्रिप्टिंग करेंगे, ठीक है, कोई स्क्रिप्टिंग व्रिपिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा कोड है जो कुछ कीवर्ड्स उठा के सर्च करेगा, ठीक है। ठीक है, ये बेस्कॉम का ईमेल है, ठीक है, ठीक है, इस तरह बेस्कॉम का ईमेल है, ठीक है, तो helplinebescom@gmail.com, तो इसमें मैंने ईमेल भेजी है, ठीक है। ईमेल जो भेजी है मैंने उसमें दो, एक कीवर्ड है जो मैंने भेजने के टाइम भेजी है कि जैसे कि there is no power in this area, ठीक है, हमारी एरिया में नो पावर है, सो देर इज नो पावर, सो इस तरह की मैंने ईमेल भेज दी, ठीक है, कीवर्ड देर इज नो पावर, ठीक है, ये मेरा पीवर्ड हो। अब जब वो उनका रिप्लाई आता है ना, उनका रिप्लाई आता है ना, तो उनका रिप्लाई में क्या आता है कि रिगार्डिंग नो पावर सप्लाई, ठीक है, सो रिगार्डिंग नो पावर सप्लाई दिस इज योर रेफरेंस नंबर सो एंड सो, ऐसा कुछ कुछ ईमेल आता है, ठीक है। सो अगेन नो पावर सप्लाई ऐसे करके एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, इन रेफरेंस टू योर ईमेल नो पावर सप्लाई से फलाना ढिमाका जो भी, ठीक है। तो मैंने ये दो जो कीवर्ड्स है, इस दो कीवर्ड्स को उठाया, टू कीवर्ड्स जो मैं ईमेल में, क्या होता है मैं जो सेंड करता हूं तो सेंड ईमेल में होगा और इनबॉक्स में होगा जो उनके रिप्लाई आते हैं, ठीक है। सो मैं यहां पे कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैंने जितनी बार कंप्लेन की उतना बार इनका रिप्लाई आया कि नहीं, और मैंने कितनी बार कंप्लेन की है इन द लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स या 4 ईयर्स जो भी, ठीक है, टोटल एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, तो पूरे 365 डेज लाइट गए हैं क्या, देखना चाहते हैं ना, पूरे 365 डेज लाइट गए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर मैं एक महीने, ठीक है ना, सीधी बात है ना, मैं अगर एक महीने अगर मैं ना भरूँ, क्या बोलते हैं, एक महीने अगर मैं बिल ना भरूं ना, तो मेरा लाइट काट देते हैं वो लोग, और वो लोग कितनी लाइट काटते हैं जिसकी वजह से मैं उनका बिल काट दूं, तो isn't it, I mean, सोचने वाली बात है ना, कि मैं इफ आई डोंट पे द बिल फॉर अ मंथ, वो लोग आकर के मेरी लाइट काट देते हैं, ठीक है। मैं कंप्लेन करने वाला था पता है इस बात को लेकर के, कि मैं ईमेल भेजता हूं तो वो लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते कभी कभी, इट इज सो अनोइंग है ना यार, मतलब मैं इतना टैक्स भरता हूँ, मेरे सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले ही टैक्स कट जाती है,
और उस टैक्स का क्या हो रहा है फिर यार? तुम रोड अच्छी नहीं देते हो, नो गुड रोड्स, हर जगह गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, एंड वेर इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? या आधार कार्ड, वो भी मैं पे करूं तब बनता है, उसमें चेंज करो तब बनता है, पैन कार्ड वो भी मैं पे करके बनवाऊं, मैं पे करके लूं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं, वो भी मैं ही पे करूं, कोई मेरे को दूध फ्री है, मेरे को वीट फ्री है, मेरे को आटा राइस कुछ भी फ्री है, मेरे लिए कुछ भी फ्री नहीं है, और टैक्स मेरी सैलरी आने से पहले काट देते हो, ये सब कुछ भी फ्री नहीं है मेरे लिए, हैं? और मेरी सैलरी आने से पहले टैक्स काट देते हो, पावर सप्लाई में भी फ्री बोल के नाम के, अभी कुछ एक और पता नहीं आ गया है बेस्कॉम की तरफ से कि 2 महीने देखेंगे फिर 12 महीने का डिसाइड करेंगे। भाई चलता नहीं है मेरे घर में कुछ भी, सब एलईडी चल रही है, मेरा बिल पहले ही 200-300 रुपये आता था, अभी ज़ीरो किया है, 2 या 3 महीने हुए मैंने फैसिलिटी ली, अब फिर से कुछ आ गया है। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब यार मिडिल क्लास को तो मार ही दो, सीधा सीधा मार दो आके मिडिल क्लास को। आई डोंट अंडरस्टैंड यार, सॉरी मैं भावनाओं में आकर के बह गया। मतलब मेरा कहना है यार, 1 महीने बिल ना भरता तो ये लोग मेरा इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं। और अभी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कितनी बार क्या कट रहा है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए फिर मैं सोचा ये कंप्लेन करने से पहले मैं ये पूरा एक एक डैशबोर्ड बना देता हूँ और ये डैशबोर्ड भेज दूंगा उनको, क्या देख लो यार तुम्हारा काम कितना है ना, टैक्स लेने के टाइम पे फटाक फटाक टैक्स काट लेते हो, अभी क्या कहते हैं सर्विस देने के टाइम में तो नानी मर रही है। ठीक है, एनीवेज गाइस, तो मैंने ये कितने ईमेल लिखे ये अभी कैलकुलेट गिनते बैठूंगा तो हो गया, यहाँ पे सर्च करूंगा तो भी हो गया काम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने गया, ये ऐप स्क्रिप्टर है, ठीक है, गूगल ऐप स्क्रिप्टर मैं बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं यहाँ पे, जावा कोड लिख दे लेते हैं, ठीक है, पाइथन कोड लिखना है तो यू कैन यूज़ गूगल कोलैब, बट गूगल कोलैब से काम हुआ नहीं, मैंने ट्राई तो किया, ठीक है, तो ऐप स्क्रिप्टर में जावा स्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं सिंपल, मैंने ये सिंपल कोड मेरे को मालूम तो है नहीं, ठीक है, ये सिंपल कोड मैंने लिखी और क्या कहते हैं ईमेल स्क्रैपिंग कर ली। ठीक है, ये जो शीट है वो शीट से शीट का शीट नंबर 1, ये शीट आईडी दिया यहाँ पे शीट नंबर 1, एंड जो A1 है वो कीवर्ड है ईमेल, सब्जेक्ट ईमेल एंड डेट, कौन सी डेट को मैंने ईमेल भेजा था या ईमेल का रिस्पॉन्स आया था। यार क्या बताओ बताओ, सच में बेस्ट कॉम के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी। तो ये सब चीज़ मैंने उठा ली कहाँ से, चैट जीपीटी से ये सब प्रॉम्प्ट देख करके बना ली मैंने ये सब, फिर देखा दोनों में चेक कर लो इनबॉक्स सेंट आइटम इनबॉक्स इन सब में, फिर एक लॉग डाल दिया, ये पूरा होने के बाद इट विल गो एंड पुट दिस डिटेल्स इन टू दिस ईमेल। ठीक है, चल मैं इसको ना शीट ऑलरेडी ये डेटा है मेरे पास, बट आपको दिखाने के लिए लेट्स जस्ट मेक दिस शीट 1, इसको इधर डाल देते हैं। 2 में भी कुछ किया था, ऐसे प्ले अराउंड कर रहा था तो वैसे बैकअप के लिए रखा है, जस्ट कीप इट एज बैकअप। ठीक है, एंड लेट्स जस्ट कीप इट एज बैकअप। ठीक है, ओ, आप लोग को स्क्रीन दिख नहीं रही है, पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही शायद। ठीक है, मैं इसको छोटा करता हूँ, ये शीट के नाम है, ठीक है, ये शीट के नाम है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं काम कर रहा था तो इसलिए ऑलरेडी डेटा है इसमें, तो इसको मैं बैकअप बना देता हूँ, यहाँ पे बैकअप 2 कुछ और कर रहा था इसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट, तो ये मेन बैकअप है, बैकअप 2 है, तो इस तरह का डेटा है। ये शीट 1 अभी खाली है तो मैं इसको रन करूँगा तब डेटा पॉपुलेट होगा, कहाँ पे शीट 1 में, यहाँ पे शीट 1 बोल रखा है ना मैंने। ठीक है, चलिए इसको अभी रन करते हैं,
कि शीट 2 अनपॉपुलेट होगी जैसे एग्जीक्यूशन खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मज़ा आ रहा तो प्लीज़ यार कमेंट में एकदम तारीफ कर देना मेरी। एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड ऑल्सो वीडियो को भी लाइक करो यार, लोगों को पता तो चले कि इतना मस्त कंटेंट कोई बना रहा है। यूट्यूब को पता तो चले, आप लाइक करोगे तब तो मज़ा आएगा। एंड कमेंट में कुछ भी डाउट हो या कुछ चाहते हो, कुछ अमेजिंग बनाए, कुछ चीज़ें कुछ आइडिया हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है कमेंट में एकदम पेल देना। एंड कमेंट में अगर मेरे को समझना है तो देखिए मेरे को लिंक्डइन पे भी मैसेज कर देना। ठीक है ये ऊपर में QR कोड है ठीक है, जिसमें मेरा UPI ID है वो स्कैन करके कुछ डोनेट कर सकते हो। ठीक है एंड अगर आप स्कैन करके डोनेट करोगे तो मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप में मैसेज करके थैंक यू बोलूँगा। आप जब भी स्कैन करके जिस भी UPI ऐप से करोगे, चाहे फ़ोन पे हो गूगल पे हो, तो वहाँ पे चैट ऑप्शन रहेगा, फ़ोन पे में तो रहता है ना, तो वहाँ पे UPI पेमेंट के बाद यार आप कर देना, आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा ना, तो मैं आपको व्हाट्सएप में थैंक यू ज़रूर करूँगा। और फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे को ऑडियो मैसेज भेज सकते हो अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बतानी है। बट अगेन जो डोनेट करेगा उनका स्पेसिफिकली तो मैं सुन के पक्का कुछ बनाऊंगा ही। इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? आ गया CSV फाइल क्रिएटेड। ओ हाँ इस कोड में मैंने CSV फाइल भी बनाया था तो CSV डाउनलोड हो जाएगा। आई वाज जस्ट थिंकिंग अगर CSV फाइल में आ जाए तो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल का स्टूडियो में। आ चुका है डेटा शीट 1, अभी खाली थी अभी भरी है। ठीक है देखो पूरा कंप्लीट होने दो, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने दो उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों देख लो यहाँ पे शीट 1 ही पॉपुलेट हुआ है, अभी मैंने बनाया था तो कुछ स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ठीक है मेरा शीट 1। ठीक है अभी मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन यूज कर रहा हूँ। ठीक है हुआ CSV फाइल क्रिएटेड, इसको भी न्यू टैब में ओपन कर CSV फाइल है ये, कोई ओपन कर सकते इसको। मैं लोकल कंप्यूटर में लेकर के भी पाइथन पाइस्पार्क कोड लिख करके भी एक्सप्लोर करके कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें। CSV डायरेक्ट लोकल स्टूडियो में भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डन। बट अभी देखते हैं, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, मेरा पूरा डेटा आ चुका है इसमें। भाई 657, ये 2021 का है, 2021 छोड़ दो इतना, 648 2022 23 24 दो साल के अंदर 600 कंप्लेन गई है, सोचो 600 ईमेल। क्या बताओ यार मैं सच में, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन लाइट जा रही है बेसिकली। एनीवेज छोड़ो, इसके ऊपर बनाते हैं लोकल स्टूडियो रिपोर्टिंग। ठीक है सिंपल, आपको एक्सटेंशन ऐसे क्लिक करनी है, यहाँ पे लोकल स्टूडियो आएगा, क्रिएट अ रिपोर्ट, शीट 1 है, शीट 1 क्रिएट कर देना है। क्या दिख रहा है स्क्रीन में? यस ठीक है, यहाँ पे शीट 1 क्रिएट क्लिक कर देना है। क्या क्लियर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे इसको टाइटल देते हैं,
तो टाइटल इसको लिखेंगे सेंट ईमेल, कितने बार भेजे गए हैं यहाँ पे, स्टाइल में क्या ऑप्शन था, एंड बॉर्डर शैडो ब्लैक, चार्ट हेडर डू नॉट शो, ये सही है, तो चार्ट हेडर ठीक है, वो वैल्यूज जो है इसको, जो वैल्यूज है उसको सेंटर लाइन कैसे करें, हाँ मैट्रिक वैल्यू ये हो गया, इसको सेंटीमेल करना है ना, ऐड फिल्टर, हाँ यहाँ पे तो क्या था, नो पावर लिखेंगे ना, रिस्पॉन्ड गया है तो रिगार्डिंग नो पावर सप्लाई, देर इज नो पावर इन दिस एरिया, यहाँ पे सेंट कुछ नहीं है ना, सेंट रिसीव ऐसा कुछ होता तो देर इज नो पावर, यहाँ पे मैंने नीचे नोप को नो पावर लिख दिया बस, देर इज नो पावर इन दिस एरिया, इसको ही लिखते हैं, इंक्लूड कीवर्ड इक्वल टू सेव, काउंट चेंज हो गया, अच्छा इस फिल्टर का ना, देर इज नो पावर इन दिस एरिया, सही है, एंड बट रिस्पॉन्स जब आया है रिगार्डिंग नो पावर सप्लाई, ठीक है, एक और इसको करो, डुप्लीकेट था ना यार, अरे भाई फाइल कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल में गाय नहीं आ रहा है, पहले तो हो रहा था, ठीक है अभी इसको जाओ रिसीव्ड ईमेल, बट इसमें जो फिल्टर है ना, यहाँ पे फिल्टर है, इस फिल्टर को हटाओ, ऐड अ फिल्टर रिगार्डिंग, उठाते हैं क्रिएट फिल्टर इंक्लूड कीवर्ड इक्वल टू सेव, देखो ईमेल भेजा गया इतने बार, रिसीव हुआ इतने बार, ठीक है हम बताते हैं उनको कि क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो, ठीक है दिस इज वन थिंग, फिर उसके बाद मैं क्या दिखाना है, मंथ ऑन मंथ कितनी कितनी कंप्लेंट्स आए हैं, है ना वो भी दिखाना है, तो ऐड अ चार्ट, कुछ इस तरह का चार्ट ले, मंथ ऑन मंथ या लाइन चार्ट ले, एवरी मंथ कितना कंप्लेंट्स आए हैं, ये डेट दिखाते हैं क्या, एवरी डेट,
एंड कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, फील्ड सही है। डिस्टिंक्ट इसको डायमेंशन में डालता हूँ ऑन द कीवर्ड। व्हाट इज द प्रॉब्लम डिस्टिंक्ट
ये सब कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे बोल रहा तो यहीं पे है ना मे मंथ। वाओ इसको ये कैलकुलेटेड चीज ही चाहिए ही नहीं ना फिर। एड अ चार्ट लेट्स मेक इट नहीं लेट्स गेट दिस चार्ट। यस ये चार्ट लो। इस चार्ट पे लेट्स डू इट ईयर मंथ एंड द मैट्रिक्स लेट्स टू काउंट नॉट डिस्टिंक्ट। ओह वाओ सही है ना यार। एक मई से लेके इस नो पावर 38 ईमेल 36 रिप्लाईज आए। यहाँ डेट रेंज सेलेक्ट करूँ लास्ट ईयर अप्लाई कर देख क्या हालत है। मैंने भेजा नहीं ईमेल अलग बात है ठीक है। एक तो इसको मैं क्या ईयर मंथ कर दो इसमें जैन 2023 नॉट द काउंट और दिस बाय यस नंबर जैन फेब करेक्ट। या दिस इज बेटर। इसमें भी डिफॉल्ट रेंज सॉर्ट कहीं सॉर्ट 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 सॉर्टिंग नहीं है। बस 91 ईमेल भेजी है रिसीव्ड 80 ईमेल किए हैं। और सैक तो ना ब्रो मतलब देख रहे हो पूरा एकदम ग्राफ बना दिया मैंने चाहिए उनको किस तरह का भी आउटपुट चाहिए देख लो भाई। एसकॉम जी आपकी पूरा चिट्ठा खोल दिया हमने क्या ही काम कर रहे हो आप। स्टैटिस्टिक्स दे दिया मैंने हम आपका अब अब ये मैं करूंगा शेयर किसको पेस्कॉम को बोलूंगा प्लीज आप एनालाइज कर लो इसको एंड देखो आपने कितना हगा है ठीक है। ये पूरा मैं अभी इसको करके यार ये जो कैलकुलेटेड फील थे ना इसको नहीं मतलब कैलकुलेटेड फील सब
फन, बट सही में यार मजा आ गया एकदम। क्या बनाया है सच में बहुत बहुत अमेजिंग। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा निकल के आएगा, बट वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब अभी आप पूरा ऐसा रीसेट कर दें, या मे बी नेक्स्ट ईयर जनवरी से लेके दिस क्वार्टर अप्लाई करते हैं। सख्त, बहुत अच्छा। एंड दिस मंथ डेट देखो, बहुत बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 डेज यहाँ पर ऑलरेडी इसका आ रहा है ना, तो मैं ये मंथ क्यों करूँ, इसको डेट वाइज कर लेते हैं ना। हाँ ये सही है, क्योंकि ये तो मंथ दिखा रहा है, ये भी मंथ दिखाएगा फिर बात किसे की। मतलब देख रहे हो यार, मतलब जुलाई एक ही दिन में मैंने 4-4, 5-5 यहां देखो 10 ईमेल भेजे जस्ट ऑन जुलाई 15th। ओह सच में यार, इसका टाइप की ठीक है। दैट इज ऑल गाइस, बहुत ज्यादा मजा आया आज के फीलिंग रियल थर्स्टी, बस आज तो अपने आप को अप्रिशिएट करने का मजा आ रहा है, मुझे मन कर रहा है। ठीक है, बहुत 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 तगड़ा प्रोजेक्ट बनाया भाई। ये जो चार्ट है मैंने लाइव बनाई है, ठीक है, ये जो चार्ट है मैंने लाइव बनाई है। इधर करते हैं दिस ईयर अप्लाई, क्या मजेदार। मतलब मैं कहना चाहता हूँ यार, ये हम कहाँ से आए, आज कहाँ पहुंच गए हैं यार, बहुत बढ़िया यार, आई एम रियली वेरी हैप्पी गाइस। मैं सच बोल रहा हूँ यार, आप लोग बहुत तगड़ा मेहनत करो, बहुत कुछ करना है आप लोग को। न्यू गाइस कैन एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड यार, सीरियसली। ठीक है, और प्लीज चैनल को, पहली बार आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट मैंने बनाया, इसमें OMR भी सॉल्व किए, आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई भी किए, और क्या किया, बेस्कॉम का ये पूरा कंप्लेन का प्रोजेक्ट जो है पूरा बना दिया डैशबोर्ड के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम ईमेल स्क्रैप किया, फिर उस डेटा को लिया, फिर सम कैलकुलेटर वैल्यू लगाए जो कि ज़्यादा इस्तेमाल हुए नहीं, फिर लास्ट में डैशबोर्ड बनाया एकदम मस्त, डे टू डे, मंथ टू मंथ पूरा काउंट दिखा रहा है, डेट रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हो, कीवर्ड्स के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, रियल अमेजिंग। एंड कीबोर्ड्स कीवर्ड्स यूज़ करके बनाया, ठीक है। एनीवे गाइस, आज बहुत दिन बाद हमने लाइव स्ट्रीमिंग किया है, बहुत टाइम से किया नहीं था, आई वाज बिजी, एंड बहुत मज़ा आया यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड क्या बताऊँ, सब बहुत तगड़ा किया यार, बहुत तगड़ा काम किया, ठीक है, ये हो गया, सब कुछ हो गया। इधर आज जो सोचा था 2 घंटे के अंदर प्लान किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ यार, आप लोग कमेंट्स में बताओगे तो मैं और भी बहुत रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड हाँ, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे जैसे टाइम मिलेगा ना, बहुत चीज़ें स्ट्रक्चर करके
हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे कैसा एक्सपीरियंस था, एंड बहुत सारे हैकाथॉन में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में भी बताना है। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर यार फोड़ देना, कमेंट्स में फोड़ देना, एंड कुछ भी डाउट्स हो आपको, क्वेश्चंस हो तो आप #TKK ऐसे लिखोगे ना तो मैं क्वेश्चंस को आंसर फटाक से कर दूंगा, नहीं तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है आप ऐसे कर देना, एंड यार यहाँ पे QR कोड दिख रहा होगा, आपको कुछ भी आपके मन से जो भी मन करता है आप प्लीज़ डोनेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुई है, चैनल मोनेटाइज हुई नहीं है, तो इसीलिए क्या कहते हैं आप लोग से थोड़ा डोनेशन लेना पड़ेगा, मुझे थोड़ा मांग रहा हूँ, आई नो, बट द मोमेंट चैनल इज मोनेटाइज तो फिर आप लोग ऐसे ही वॉच करोगे, वो अपने आप में डोनेशन है। ठीक है, चलिए गाइस, बहुत बहुत मज़ा आया OMR का पूरा प्रोजेक्ट देखा, बहुत सारी चीज़ जो भी मैंने की है पूरी चीज़ मैंने शेयर कर दी है, एंड हमने जो BESTCOM का पूरा प्रोजेक्ट किया, पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम ईमेल स्क्रैपिंग, वो सब चीज़ें किए हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें और करेंगे, बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी HackerRank के जो वीडियोज़ हैं गाइस ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, ऑलरेडी करीब 9-10 वीडियोज़ डाल दिए हैं, हर दिन एक एक HackerRank के वीडियोज़ आ रहे हैं, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके भी आप लोग के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लाऊं। ठीक है, प्लीज़ कमेंट में फोड़ देना जो भी लिखना है, एकदम अप्रिशिएट करिए मेरे को, एंड अगर और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहते हो प्लीज़ ये QR कोड जो है यहाँ पे, इस QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं, कृष्णा काइकिंग फिन करके आएगा। ठीक है, ओके, चलिए गाइज, बहुत मज़ा आया आप लोग से बात करके, सी यू नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में मिलते हैं, एंड आग लगाते रहिए, तब तक फोड़ते रहिए एकदम, जो भी क्या कहते हैं आपकी ज़िंदगी में हो रहा हो ना हो रहा हो, बट भगवान पे विश्वास रखिए, एकदम प्यार से भगवान को प्रार्थना करते रहिए एंड आग लगाते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में, और वीडियोस आते रहेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबाना, एंड व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम के जो चैनल हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसको ज्वाइन करना ज़रूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।